आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे विराट कोहली से रिलेटेड कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको जानने चाहिए, क्योंकि आज के डेट में वो हमारे देश भारत के आइकन है, उनकी एक पहचान है और उन्होंने अपनी मेहनत से की है। तो विराट कोहली जी का जन्म 5 नवंबर 1988 को प्रेम कोहली और सरोज कोहली के घर दिल्ली में हुआ था। इनके भाई का नाम विकास, बहन का नाम भावना और पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा है। कोहली का बचपन दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बीता और विशाल भारती पब्लिक स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। कोहली जब 3 साल के थे तभी उन्होंने क्रिकेट की बैट जो है वो हाथ में ले ली थी और अपने पिता को बॉलिंग करने के लिए कहा था। 1998 में पश्चिम दिल्ली क्रिकेट अकादमी बनी और कोहली 9 साल की आयु में उसमें शामिल हुए। कोहली के पिता ने तभी कोहली को अकादमी में शामिल किया जब उनके पड़ोसी ने उनसे कहा कि विराट को गली क्रिकेट में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे किसी अकादमी में व्यावसायिक रूप से क्रिकेट सीखना चाहिए। राजीव कुमार शर्मा के हाथों कोहली ने प्रशिक्षण लिया और सुमित डोगरा अकादमी में मैच भी खेला। 9वीं कक्षा में विराट कोहली को सेवियर कॉन्वेंट में डाला गया ताकि उन्हें क्रिकेट प्रशिक्षण में मदद मिल सके। विराट को अक्सर लोग चीकू के नाम से बुलाते हैं और यह निकनेम विराट कोहली को उनके कोच अजीत चौधरी ने दिया है। विराट कोहली का यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि 18 दिसंबर 2006 को उनके जो पिता थे प्रेम कोहली, उनका मौत हो गया और उसके अगले दिन विराट ने कर्नाटक के खिलाफ 90 रन की शानदार पारी खेली थी। तो इससे आप समझ सकते हैं उनका जो मेंटल लेवल होगा कितना स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग थे। खेलों के साथ ही कोहली पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। उनके शिक्षक उन्हें एक होनहार और बुद्धिमान बच्चा बताते थे। विराट कोहली एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेटर है आज, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए फख्र की बात है। 2008 के अंडर 19 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने भारतीय टीम की कप्तानी की और एक शानदार तरीके से वर्ल्ड कप भी जिताया। उस समय इनकी टीम में रविंद्र जडेजा भी थे। विराट कोहली जी दाएं हाथ के बल्लेबाज आप जानते हैं और कभी कभी दाएं हाथ से बॉलिंग भी कर लेते हैं। विराट कोहली जी अपने टेस्ट क्रिकेट की भारतीय टीम के कप्तान और वनडे क्रिकेट के भी अभी कैप्टन हैं। विराट कोहली ने श्रीलंका के विरुद्ध अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी और 2011 में विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम में से एक विराट कोहली भी थे। कोहली ने 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किंगस्टन में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था 2011 में। 2008 के आईपीएल में जब कोहली की पहली बार बोली लगी थी तब बेंगलोर ने इनको करीब 12 लाख रुपए में खरीदा था, जबकि 2018 आते आते आईपीएल में इनका रेट 17 करोड़ रुपए हो गया, मतलब मात्र 10 साल में 141 गुना ज्यादा। विराट कोहली अनुष्का शर्मा से पहली बार 2013 में एक शैंपू के एड शूट के दौरान मिले थे। उसके बाद विराट अनुष्का को डेट करने लगे और एक मैच के दौरान तो विराट कोहली ने स्टेडियम में बैठी अनुष्का शर्मा को सरेआम एक फ्लाइंग किस दिया था। 11 दिसंबर 2017 को इटली में दोनों ने शादी कर ली। कोहली को 2012 में भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था और कोहली ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स किए हैं, जिसमें सबसे तेज वनडे शतक, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन और सबसे तेज 10 वनडे शतक बनाना भी शामिल है। सबसे तेज की बात कर रहा हूं। कोहली आईएसएल की टीम
एफसी गोवा और आईपीटीएल फ्रेंचाइजी यूएई रॉयल्स के सह मालिक भी हैं। वे विश्व के अकेले से बल्लेबाज हैं जिन्हें लगातार 4 सालों तक वनडे क्रिकेट में 1000 या उससे भी ज्यादा रन बनाए हैं। 2015 में वे 2020 में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए थे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अतुल्य योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। स्पोर्ट प्रो एक यूके मैगजीन है, उन लोगों ने कोहली को 2014 में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मार्केटेबल व्यक्ति बताया है। मोहाली में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 26वां शतक बनाया था। एक इंटरव्यू में विराट ने बताया कि क्रिकेट के बाद उनका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है और ने ये भी कहा कि क्रिकेट से रिटायर होने के बाद वो फुटबॉल को अपने एक बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और ये बात सही साबित हुई जब 2014 में विराट ने फुटबॉल की इंडियन सुपर लीग में एफसी गोवा की टीम को खरीदा। 2017 में फोर्ब्स मैगजीन ने विराट कोहली को भारत का सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड बताया था और 2018 में फोर्ब्स मैगजीन ने विराट को टॉप 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 83वां स्थान दिया है और इस लिस्ट में जगह पाने वाले वो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। विराट कोहली को अपने बैट पर MRF लिखवाने के हर मैच में 3 लाख रुपए मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कोहली मैच 174वें वनडे में 26वें शतक तक पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मैन ऑफ द मैच खिताब पाने वाले विराट कोहली पिछले 5 साल के दौरान दुर्लभता से खराब फॉर्म के शिकार हुए थे। चेन्नई के आखिरी टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली की कप्तानी में एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है और यह पहली बार हुआ है जब इंग्लैंड के खिलाफ भारत किसी भी टेस्ट सीरीज को 4-1 से जीतने में कामयाब हुआ है। मैं और भी बातें आपको बताते जा रहा हूं, बस आप याद करते चाहिए। मार्च 2013 में विराट कोहली ने विराट कोहली फाउंडेशन नामक एक चैरिटी की शुरुआत की है और यह चैरिटी गरीब बच्चे और उनके शिक्षा के लिए काम करती है। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। विराट कोहली का 2013 में भारत के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री और 2013 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था और 2018 में भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न में से भी सम्मानित किया गया है। सबसे कम उम्र में वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। 2012 में महज 22 साल की उम्र में उन्हें अवार्ड मिला था। उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। उन्हें वनडे मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं और उन्होंने कारनामा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में किया था। विराट कोहली वनडे मैच में सबसे तेज 10 शतक लगाने वाले भारत के पहले और विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं। विराट कोहली विश्व कप के पहले ही मैच में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं और रिकॉर्ड उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। एक इनिंग में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट के नाम है। 2012 के एशिया कप में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन बनाए। इससे पहले रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम था जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 156 रन बनाए थे। विराट कोहली के वनडे टीम में आने के बाद भारत ने 5 बार 300 से ज्यादा रन का स्कोर चेस किया है और इनमें से 4 मैच में कोहली ने शतक लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 50 शतक लगाने का रिकॉर्ड 2 खिलाड़ियों के नाम है, एक हाशिम आमला और दूसरा विराट कोहली। दोनों ने रिकॉर्ड 348 मैच खेल के बनाए हैं। किसी एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है। 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 558 रन बनाकर यह कारनामा उन्होंने किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक वो कुल मेरे ख्याल से 59 सेंचुरीज मार चुके हैं 24 टेस्ट में और 35 वनडे में और अभी तक जो टोटल रन उन्होंने बनाए हैं वो 6331 रन है टेस्ट में और वनडे में 9700
79 रन और T20 में 2102 रन बना चुके हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको विराट कोहली जी के बारे में बताई और हम चाहते हैं कि वो और तरक्की करते रहें, हमारे देश का नाम रोशन करें और सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम हो। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।